हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं फुल पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 3.25 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको पेपर पे पहले कटिंग करके बताती हूँ कि किस तरह से हमें कपड़े को कर रखना है और कटिंग करना है। मान लीजिए कि हमारा कपड़ा है, कपड़े को डबल फोल्ड करके रखना है और जो भी मेजरमेंट मैं यहाँ पर लगाऊंगी आप कपड़े पे कटिंग करते वक्त देख सकते हैं। और मान लीजिए ये कपड़े का विड्थ है और ये लेंथ है, तो इस तरह से हमें फोल्ड करके रख लेना है। और अब हम आसन का निशान लगाएंगे, तो इस कॉर्नर से हमें आसन का निशान लगाना है। तो आप किसी भी कॉर्नर को ले सकते हैं, तो मैं इस कॉर्नर से लगा रही हूँ आसन का निशान। तो देखिए, आसन का निशान हमें किस तरह लगाना है, जितना भी आपका आसन हो उसको 6 इंच से माइनस करना है। तो जैसे कि मेरे मेजरमेंट में आसन है 17 इंच, 17 को हमें 6 से माइनस करेंगे तो आएगा 11 इंच, 11 में हम 1 इंच और प्लस कर लेंगे तो आएगा 12 इंच। यानी जितना भी आसन हो उसको हमें 6 से माइनस करना है और जितना भी आए उसको 1 से प्लस कर लेना है। और यहाँ पर हम आसन का निशान इस तरह से लगा देंगे। 6 इंच माइनस हम इसलिए करते हैं क्योंकि 6 इंच हमारा ऊपर बेल्ट लगता है 6 इंच का, इसलिए हमें 6 इंच माइनस करना होता है। तो यहाँ पर मैंने 12 इंच पे आसन का निशान लगाया है। और अब देखिए, इस निशान से हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो जितना भी लेंथ है उस लेंथ को भी हमें 6 इंच से माइनस करना। अब देखिए, मेरे मेजरमेंट में लेंथ है 36 इंच, तो 36 को अगर मैं 6 से माइनस करूंगी तो होगा 30 इंच। अब 30 में हमें 1 इंच और प्लस कर लेना है, यानी जितना भी लेंथ है उसको 6 से माइनस करना है और जितना भी आए लेंथ उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 31 इंच पे लेंथ का निशान लगाऊंगी। और अब हम इसके अपोजिट दूसरे कॉर्नर पर लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जितना भी हमने 31 इंच का देखिए लेंथ का निशान लगाया है, उतना ही हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 31 इंच पे हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगा लेंगे। और अब इसी निशान से हमें आसन का निशान लगाना है दूसरे तरफ। तो जितना हमने आसन नीचे की तरफ लिया है, तो आसन था 12 इंच का, अब उतना ही हम यहाँ से यहाँ तक 12 इंच का आसन का निशान लगा लेंगे। तो चाहे तो आप इस तरह से कपड़े को कट कर सकते हैं पहले ही इस तरह से, या फिर आप पहले निशान लगा ले। तो देखिए, ये हमारा हो गया लेंथ का निशान और ये भी हमारा हो गया लेंथ का निशान और ये हमारा आसन का निशान है। तो आसन को निशान को हमें इस तरह से जॉइंट कर देना है। तो मैं आपको और एक बार समझा देती हूँ। तो ये हमारा आसन हो गया 12 इंच का और यहाँ से देखिए ये हमारा लेंथ हो गया 31 इंच का और ऊपर से भी ये हमारा लेंथ हो गया और इसके ऑपोजिट देखिए दूसरे तरफ हमारा ये हो गया 12 इंच का आसन। तो इस तरह से हमें और इन दोनों पॉइंट को हमें जॉइंट कर देना है और यहाँ से जो कपड़ा बचे उसे हम कट कर लेंगे। इस कपड़े को हम दोनों लेग्स के सेंटर पे जॉइंट करेंगे। पटियाला पेंट में इस तरह से हमें कटिंग करना होता है, तो याद रहे इस तरह से हमें कटिंग करना है। और इसके तरह ही हम कपड़े पे अब कटिंग करेंगे। तो कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो अब हम टोटल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जितना भी हमारा आसन और लेंथ आया था दोनों को प्लस कर लेना है। तो देखिए, हमारा जो आसन था 12 इंच और टोटल जो लेंथ था 31 इंच, दोनों को प्लस करते हुए हमारा आया है 43 इंच, यानी 43 इंच। और तो यहाँ पर हम 43 इंच पे, यानी 43 इंच पे कपड़े को फोल्ड कर लिया है मैंने और इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है और ये जो कपड़ा बचा है ये सेंटर पे जॉइंट होगा दोनों लेग्स का। तो अब देखिए, अब यहाँ से हमें आसन का निशान लगाना है। आप किसी भी कॉर्नर को ले सकते हैं। तो मैंने जैसे पेपर पे जिस तरह से निशान लगाया एज इट इज़ उसी तरह मैं यहाँ पर आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो देखिए, आसन को हमें किस तरह से लेना है। तो जितना भी आपका हिप राउंड हो उसमें 4 से 6 इंच प्लस करना है लूजिंग के लिए और जितना भी आए उसको 3 से डिवाइड करना है और फिर जितना भी आए उसमें और 1 इंच प्लस कर लेना है। अब जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 42 इंच, यानी 42 इंच। 42 में मैं 6 इंच लूजिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो 4 इंच भी, यानी 4 इंच भी लूजिंग के लिए ले सकते हैं। मैं 6 इंच ले रही हूँ। तो 42 में अगर 6 मैं प्लस करूँगी तो आएगा 48 इंच। अब देखिए, 48 को हमें 3 से डिवाइड करना है, 3 से।
तो आएगा 16 इंच, 16 में हमें 1 इंच और प्लस कर लेना है तो आएगा 17 इंच। तो मेरे मेजरमेंट में आसन हुआ 17 इंच का। 17 को हमें 6 से माइनस कर देना है क्योंकि 6 हमारा ऊपर बेल्ट के लिए जाएगा, तो 6 इंच हमें माइनस किया 17 से तो आएगा 11 इंच। 11 में अब हम 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 12 इंच। तो टोटल यहाँ पर मेरा जो आसन है हुआ 12 इंच का। तो इस तरह से हमें आसन लेना होता है। तो आपको मेजरमेंट अगर समझ ना आए तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं या फिर वीडियो को आप आगे पीछे करके एक दो बार देखने से आप अच्छे से मेजरमेंट को समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच पे निशान लगा लिया है आसन का। अब इस निशान से हमें दूसरे तरफ लगाना है लेंथ का निशान। तो लेंथ है 36 इंच, 36 में 6 इंच माइनस करना है बेल्ट के लिए, ऊपर बेल्ट को जाएगा तो हुआ 30 इंच। 30 में हमें 1 इंच मार्जिन के लिए लेना है तो आया 31 इंच। तो मैं यहाँ पर लेंथ के लिए 31 इंच पे मैंने देखिए टोटल लिया हुआ है कपड़ा और इस पर मैंने कटिंग कर लिया है पहले ही। तो इस तरह से हमें मेजरमेंट लेना है, जितना भी लेंथ है उसमें 6 इंच माइनस करना है और 1 इंच प्लस कर लेना है। और यहाँ से देखिए 2 से 1.5 इंच हमें क्रोच कर्व के लिए निशान लगाना है इस तरह से। अब देखिए अब हम आसन का निशान दूसरे तरफ लगाएंगे। तो इस कॉर्नर पर हमने आसन का निशान लगाया, अब इसके ऑपोजिट दूसरे कॉर्नर पर हमें आसन का निशान लगाना है। इस तरह से देखिए इस कॉर्नर पे हमें अब आसन का निशान लगाना है। तो 12 इंच हमारा आसन है तो इस तरह से 12 इंच पे निशान लगा लेना है। और इसके दूसरे तरफ देखिए ये हमारा लेंथ का निशान हो गया 31 इंच लेंथ। तो इस तरह से हमें निशान लगाना है और दोनों आसन को हमें मिला देना है। और अब दोनों आसन को हमें तिरछे में ज्वाइंट कर देना है इस तरह से ज्वाइंट कर देना है दोनों आसन को। तो यहाँ पर देखिए आसन हमारा जॉइंट हो गया। और यहाँ पर देखिए याद रहे 2 इंच हमारा क्रोच कर्व के लिए निशान लगेगा, क्रोच के लिए जो कर्व होगा हमारा उसके लिए 2 इंच यहाँ पर मैंने निशान लगाया है। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं और इस पर एज इट इज हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर कटिंग हो चुकी है और इस पार्ट में देखिए जॉइंट आया है तो जॉइंट को हमें कट कर लेना है सेंटर पे। और अब हम देखिए जो साइड से हमारा कपड़ा बचा था इस कपड़े से अब हम दोनों लेग्स को जो सेंटर पे जॉइंट होगा हमारा इसके लिए हमें निशान लगाना है। तो जितना भी आपका पौंचा है उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा पौंचा है 13 इंच है तो यहाँ पर 1 इंच प्लस करते हुए मैं 14 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और जितना भी लेंथ है उसमें 6 इंच माइनस कर लेना है। तो देखिए मेरा जो लेंथ था 36 इंच, 6 इंच मैंने माइनस किया था आया 30 इंच और 1 इंच उसमें प्लस किया है तो 31 इंच पे मैं टोटल लेंथ का निशान लगाऊंगी इस तरह से। जैसे हमने पहले लेंथ का मेजरमेंट लिया है उसी तरह से लेंथ का मेजरमेंट लेते हुए हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और पौंचा है 13 इंच, 1 इंच मैंने प्लस किया और इस पर एज इट इज कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है और साइड से जो कपड़ा बचा है ये हम बेल्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमारा सेंटर का पार्ट रेडी है और सेंटर पे देखिए ये हमारा जॉइंट आया है तो जॉइंट को भी हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर कटिंग हो चुकी है और ये दो पार्ट में डिवाइड है दोनों लेग्स के लिए। तो इन सारे पार्ट को हमें इस तरह से रखना है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेंटर पैनल हमारा सेंटर पर रहेगा, दोनों साइड का जो पैनल है इस तरह से दोनों साइड पर रहेगा, दोनों लेग्स के जो हमारा पैनल है इस तरह से रहेगा। अब देखिए अब हमें जॉइंट लगाना है तो दोनों पार्ट को हमें इस तरह से जॉइंट करना है। इस तरह से हम सिलाई करके एक पैनल को इस तरह से हम जॉइंट करेंगे और इसी तरह से दूसरे पैनल को भी हमें इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर तीनों पैनल हमारा जॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने तीनों पैनल को जॉइंट कर लिया है। अब देखिए अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो इसको पहले हमें सेंटर से फोल्ड करना है और इस पर निशान लगाना है इस तरह से। तो अब देखिए अब हम प्लीट्स इस पर किस तरह से डालेंगे। तो ये जो हमने सेंटर पे निशान लगाया है सेंटर के दोनों तरफ हमें एकदम इक्वल प्लीट्स आना चाहिए। मान लीजिए कि ये जो हमारा टोटल लेंथ है पैनल का 48 इंच है 48 इंच, इसका हाफ हमने जो सेंटर पे निशान लगाया 24 इंच। अब 24 के दूसरे तरफ देखिए हमें 12 इंच का टोटल प्लीट्स डालना है और दूसरे तरफ 12 इंच का, यानी टोटल यहाँ पर हमें 24 इंच का प्लीट्स डालना है।
तो इस तरफ 12 इंच प्लीट्स होना चाहिए, दूसरे तरफ भी 12 इंच प्लीट्स होना चाहिए, सिर्फ एक पैर का, दूसरे पैर का नहीं, दूसरे पैर का हम बाद में प्लीट्स को डालेंगे, सिर्फ एक पैर का हमें यहाँ पर टोटल 24 इंच का प्लीट्स डालना है। तो देखिए आप किसी भी आसन को ले सकते हैं, तो मैं फ्रंट वाले आसन को ले रही हूँ और आसन का जो मुंह है, प्लीट्स का जो मुंह है वो आसन के तरफ करते हुए प्लीट्स को डालना है इस तरह से। प्लीट्स को जो हम डालेंगे आसन के तरफ मुंह करते हुए डालेंगे इस तरह से। मैं यहाँ पर बड़ी प्लीट्स डाल रही हूँ, आप चाहे तो छोटी छोटी प्लीट्स भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें प्लीट्स को डाल लेना है और इस पर सिलाई कर लेना है। बस याद रहे ये जो हमारा तीनों पैनल है जॉइंट करने के बाद जितना भी आए टोटल इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद दोनों तरफ हमें प्लीट्स को एकदम इक्वल में डालना है। और जो आसन का मुंह है, देखिए आसन के तरफ सारे प्लीट्स का मुंह हमने आसन के तरफ करते हुए डाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे प्लीट्स का, देखिए मुंह आसन के तरफ करते हुए प्लीट्स को डाल लिया है ये देखिए, और इस पर हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल मेरे मेजरमेंट में जो प्लीट्स आया है 24 इंच का टोटल आया है, तो इस पर हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर लिया है। इसी तरह हमें दूसरे लेग्स को भी तीनों पैनल को जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए दूसरे लेग्स का पैनल जॉइंट कर लिया है और प्लीट्स डालेंगे। और अब देखिए दूसरे पैनल का भी हमें जो आसन का मुंह है एक दूसरे के सामने करते हुए रखना है। तो इस पैनल में देखिए प्लीट्स का मुंह हमने आसन की तरफ करते हुए रखा है, अब दूसरे पैनल का भी हम सारे प्लीट्स का मुंह हमें आसन की तरफ करते हुए रखना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें सारे प्लीट्स का मुंह हमें आसन की तरफ करते हुए डाल देना है इस तरह से। बस याद रहे दोनों का मुंह एक दूसरे के सामने करते हुए रखना है फ्रंट पार्ट की तरफ, और सारे प्लीट्स यहाँ पर हमें डाल देना है इस तरह से। बस याद रहे दोनों का फ्रंट पार्ट एक दूसरे के सामने, दोनों का आसन एक दूसरे के सामने करते हुए रखना है और प्लीट्स को फ्रंट पार्ट की तरफ आसन की तरफ मुंह करते हुए रखना है। और टोटल लेंथ जितना हमने इस पैनल पर दिया है प्लीट्स का, जैसे कि 24 इंच हमारा इस पैनल में लेंथ आया है, दूसरे पैनल का भी लेंथ हमें 24 इंच ही लाना है, यानी प्लीट्स डालकर टोटल 24 इंच रखना है। अगर प्लीट्स कम ज़्यादा हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हमने 12 इंच पे निशान लगाया है 24 का हाफ 12, अगर इस तरफ ज़्यादा और दूसरे तरफ कम अगर प्लीट्स आ जाए छोटा बड़ा, तो हमारा पैंट बनने के बाद, पहनने के बाद दूसरे तरफ मुड़ जाएगा, इसलिए हमें इक्वल रखना है पैंट्स का टोटल प्लीट्स। तो इस तरह से हमें प्लीट्स डाल लेना है और इस पर सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों प्लीट्स मैंने डाल लिया है, अब दोनों आसन को जॉइंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बैक पार्ट के आसन को जॉइंट करूँगी इस तरह से। दोनों पार्ट को हमें रख लेना है, दोनों को सीधी तरफ एक दूसरे के सामने करते हुए रखना है और आसन को जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर मैंने आसन को जॉइंट कर लिया है, अब हम बेल्ट लगाएंगे। तो पैंट का कमर का लेंथ जितना भी आया है उतना ही हमें बेल्ट का लेंथ लेना है। तो इस तरह से मैंने बेल्ट ले लिया है और बेल्ट का जो विड्थ है, चौड़ाई है, यहाँ पर टोटल मैंने 8 इंच लिया है, क्योंकि 6 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा और ऊपर की तरफ नेफा में हमारा जाएगा 1.5 इंच और नीचे हमारा बेल्ट जॉइंट होने के लिए 1/2 इंच जाएगा। तो इसलिए हमें 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है और 6 इंच हमारा बेल्ट के लिए। तो नेफा के लिए अब हम सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले हमें इस तरह से नारा के लिए यहाँ पर सिलाई करना है, डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेना है। और इसी तरह से दूसरे तरफ भी हमें सिलाई कर लेना है डबल फोल्ड करते हुए। और फिर देखिए हमें इस तरह से नेफा के लिए 1.5 इंच का फोल्ड करना है, पहले 1/2 इंच मैंने फोल्ड किया और फिर 1 इंच का फोल्ड करना है। और इस तरह से पूरे पार्ट में हमें 1.5 इंच का सिलाई कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई कर लिया है और दोनों तरफ ये देखिए नारा के लिए मैंने जब फोल्ड कर लिया है। और अब देखिए अब हम दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो बेल्ट वाले पार्ट का सीधा तरफ और जो हमारा पैंट का सीधा तरफ है, दोनों को एक दूसरे के सामने करते हुए रखना है और दोनों पार्ट को हमें इस तरह से जॉइंट करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई कर लिया है। अब देखिए एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो नीचे से जो मार्जिन है, मार्जिन को बेल्ट की तरफ रखना है और इस ऊपर से हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। और फिर देखिए अब हम फ्रंट आसन को जॉइंट करेंगे। तो ऊपर की तरफ हमें 2 इंच निशान लगा लेना है, नेफा के लिए जगह 2 इंच छोड़ देना है जो हमने फोल्ड करके सिलाई किया है, और फिर आसन को जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ 2 इंच छोड़ते हुए आसन को जॉइंट कर लिया है। अब हम पोंचा सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पार्ट हमने सेंटर पे जॉइंट किया था, इसका विड्थ हमने जितना लिया था उससे 1 इंच ज़्यादा हमने लेते हुए एक पट्टी लेना है फोल्ड करके सिलाई करने के लिए।
तो यहाँ पर जो मैंने पट्टी ली है इसका विड्थ 3 इंच है और लेंथ जितना हमारा पौंचा का लेंथ है उतना ही हमने लिया है। और यहाँ पर मैंने बुकरम अटैच कर लिया है, बुकरम मैंने 1.5 इंच लिया हुआ है और पट्टी के ऊपर बुकरम रख के मैंने इस पर प्रेस करके चिपका लिया है। पैंट का सीधा तरफ मैंने ऊपर के तरफ करते हुए रखा है और इस पट्टी को देखिए दोनों का सीधा तरफ एक दूसरे के सामने करते हुए रखना है और फिर इस पर सिलाई करके ज्वाइन कर लेना है। आप किसी भी तरह से सिलाई कर सकते हैं, या तो उल्टे तरफ करके भी सिलाई कर सकते हैं या फिर सीधे तरफ करते हुए। अब एक सिलाई देखिए हमें दूसरे तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर से करना है, इस तरह से ऊपर की तरफ से हम एक स्टिच करेंगे टॉप स्टिच इस तरह से। मैं यहाँ पर सीधी तरफ करते हुए सिलाई कर रही हूँ और फिर देखिए उल्टी तरफ करते हुए हमें इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है ऊपर से। और इसके ऊपर से देखिए आप चाहे तो 4-5 सिलाई डिज़ाइन के लिए कर सकते हैं, तो मैंने देखिए इस तरह से 4-5 सिलाई किया है डिज़ाइन के लिए। इसी तरह से दूसरे पौंचा को भी हमें रेडी कर लेना है और ये इस तरह से सिलाई होगा। तो यहाँ पर देखिए पौंचा हमारा रेडी है, इसी तरह से हम दूसरे पौंचा को भी रेडी कर लेंगे। और फिर देखिए अब हम दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे, तो पहले हमें नीचे से इस तरह से मिलाते हुए 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई करना है और सेंटर पे आसन को अच्छे से देख लेना है। सेंटर हमारा जो आसन का सेंटर है अच्छे से मिलाते हुए सिलाई करना है और पूरे लेग्स में हमें अच्छे से सिलाई कर लेना है इस तरह से। तो देखिए ये फुल पटियाला सलवार पैंट बनके रेडी है और मैंने पूरी कोशिश की है बहुत ही इजी तरीका आप सभी से शेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।